हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे, बढ़िया होंगे और आपका शौक शिकार भी ठीक ठाक चल रहा होगा बिल्कुल मेरी तरह। और यह भी उम्मीद करता हूं जो भी आपने शौक पाल रखे हैं वो बिल्कुल हष्ट-पुष्ट होंगे, तंदुरुस्त होंगे बिल्कुल आपकी तरह। दोस्तों, किसी एक मेरे भाई ने मुझे एक मैसेज करा है। मैसेज में ये लिखा है, मैसेज कुछ इस प्रकार था और मैसेज में ये लिखा था कि उनके जो है असील के मुर्गी के बच्चे हैं उनके पास, वो 3 महीने के हो गए हैं लेकिन वो अच्छी ग्रोथ नहीं पकड़ रहे हैं, अच्छा जो है डेवलप विकास उनका नहीं हो रहा है। क्या वजह है, किस वजह से जो वो अपनी हाइट पूरी नहीं कर रहे या अच्छी ग्रोथ नहीं कर रहे, उनकी कुछ मेडिसिन पूछ रहे हैं मेरे से कि कुछ दवाई बताएं। तो मैं बता दूं आपको, वैसे तो मैं अपने शौक में कोई इंग्लिश मेडिसिन का प्रयोग नहीं करता, लेकिन जो मैं देसी ट्रीटमेंट करता हूं वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा अपने शौक को, ठीक है। आज मैं आपको इस वीडियो में यही बताऊंगा, जब आपके मुर्गी के बच्चे 3 महीने के हो जाते हैं तो जब तक तो ठीक ठीक है, लेकिन उसके बाद में जो है आपको वो शौक कहीं फीका सा होने लगता है, क्योंकि वो हाइट जो रुक सी जाती है और असील मुर्गियों का जो है शौक जो है वो बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है। आदमी ना ओनर जो है वो एक ऊब जाता है, यार ये तो पनपी नहीं रहे, तो वो कहीं ना कहीं जो है मैंने ऐसे भी देखा है कि वो पड़ोसी को उठा कर दे देता है, यार ये तो जो है पनपी नहीं रहे, अब करे तो करे क्या। मैं आपको यही इस तरीके इस वीडियो में वही तरीका बताऊंगा कि जो है 3 महीने के बाद का प्रोसेस, नहीं शुरू से बताऊंगा शुरू से प्रोसेस क्या होता है जो मैं अपने शौक में लेता हूँ। जब आप मुर्गी ने जो है बच्चे निकाल लिए हैं तो उसे जो है आपको वो 10-12-24 घंटे के अंदर जो है आपको देना है गुड़ का पानी, मीठा पानी, गुड़ का मीठा पानी देना है। उसके बाद में आपको देना है फिर 3 दिन सादा पानी, सादा पानी देने के बाद में फिर आपको जो है कोई एंटीबायोटिक देनी है, जैसे कि लैक्सिन पाउडर वगैरह या टेट्रासिन हाइड्रोक्लोराइड वगैरह जो है पाउडर, आप लैक्सिन पाउडर जो है आप मिक्स पानी में मिलाकर आप बच्चों को दे सकते हैं, ठीक है। एक दिन मीठा पानी हो गया, 3 दिन बाद सादा पानी, फिर उसके बाद एंटीबायोटिक जो मैं बताऊँ लैक्सिन पाउडर वगैरह, और फिर उसके बाद जो है आप सादा पानी दें। सादा पानी देने के बाद में आपको जो फिर देना है आपको मल्टीविटामिन, सादा पानी देने का मतलब एंटीबायोटिक दे दी, फिर सादा पानी दे 3-4 दिन तक, और फिर उसके बाद में जो है फिर दे मल्टीविटामिन, कोई सा भी मिक्स मिनरल जो है मल्टीविटामिन दे पानी में घोल के, और जो है फिर उसके बाद में जो है इसी बीच में जो है वो कम से कम 8-10-12 दिन जो है कम से कम उसकी ब्रूडिंग होनी है। यदि आपने इनक्यूबेटर से निकाले हैं तो ब्रूडिंग बहुत ज़रूरी है। अगर मुर्गी के द्वारा निकले हैं, अंडे हैच करे हैं मुर्गी ने, कुड़क मुर्गी ने बच्चे निकाले हैं, तो वो मुर्गी जो है अपना आप ही जो है ब्रूडिंग कर लेगी, ठीक है। लेकिन ब्रूडिंग जो है बहुत ज़रूरी है। ब्रूडिंग का फायदा क्या है, उनके पंख जो है फैदर जो है वो बहुत जल्दी निकल जाते हैं और उनकी हड्डियों का जो विकास होता है डेवलप होता है। हड्डी जो है का भी आपने देखा होगा कि मान लो 5 मुर्गी के बच्चे हैं तो 2 छोटे हो गए और 2 बड़े हो गए, कितने इस बार मैंने ऐसा अपने शौक में भी देखा है, तो आपने भी देखा होगा बच्चे जो छोटे बड़े हो जाते हैं, सब एक साथ एक खान खा रहे हैं, एक ही फीड खा रहे हैं, एक ही मुर्गी के बच्चे हैं, लेकिन वो ऊंचे नीचे अपनी हाइट में जो है इक्वल नहीं होते, तो वो ब्रूडिंग का ही और उनका जो डाइट प्लान है, डाइट प्लान क्या रहेगा। उसके बाद में आप जो है उनको मुर्गी जो है जो जो छोटे बच्चों का चूजों का जो पोल्ट्री फीड होता है, आप सब समझदार हैं, मार्केट से पोल्ट्री फीड लें छोटे बच्चों का, आप जो है उन्हें 3 महीने तक वो ही खिलाएं, उन्हीं पर लाएं, वो अच्छी वो जो है आप एक सिमल जाएंगे अपन जो है वो छोटे मोटे नहीं रहने के, जो है फिलहाल जो है वो जो है अपने आप को संभाल लेंगे बच्चे। 3 महीने के बाद जैसे ही वो होंगे तो आप जो है उस जो आपने स्टार्टर फीड खिलाया है उसमें आप जो है मक्का का बाजरा और जो है थोड़ा बहुत गेहूँ उसकी चावल की किनकी और उसमें जो है पोल्ट्री फीड मिला के मिक्स, निखाली से नहीं बता रहा मैं आपको, ठीक है, मिक्स पोल्ट्री फीड और जो है उसमें गेहूँ मक्का बाजरा इस तरीके का जो है पोल्ट्री फीड मिला के आप अपने बच्चों को दें। जब तक आपके मुर्गी बच्चे 4-5 महीने के हो जाएंगे और बीच बीच में आपको जो है मल्टीविटामिन का पानी उन्हें देते रहें। जैसे ही आपकी मुर्गी का बच्चा 5.5 महीने का हो जाएगा उसके बाद में आपको करनी है उसकी डिवार्मिंग, 5 महीने प्लस के 5.5 या 6 महीने का आपको बच्चे की कर देनी है डिवार्मिंग। डिवार्मिंग करने का तरीका आप सभी जानते हैं, नहीं जानते तो कमेंट करेंगे मैं बता दूंगा, वैसे मैंने अपनी वीडियो में इस डिवार्मिंग की वीडियो भी लगा रखी है अपने चैनल पर, और वैसे भी आपको बहुत सारे मिल जाएंगे डिवार्मिंग करने का तरीका। डिवार्मिंग करें,
डिवार्मिंग करने के बाद में सवेरी करनी है, निहारमू करनी है और उसके बाद में डिवार्मिंग करें, और डिवार्मिंग जो है फिर आपको दो तीन दिन जो है आपको उसे नरम खुराक देनी है, जैसे कि चाय में सोप्रस दे दिए या इसबगोल की भुस्सी या दही में रोटी चूर के, दूध की मलाई में रोटी, इस तरह की 3-4 दिन जो आपको नरम खुराक देनी है, भीगी हुई रोटी दे दी, पोल्ट्री फीड में भीगी हुई रोटी मिलाकर पोल्ट्री फीड में मिलाकर दे दी, इस तरीके से आपको खुराक देनी है। जब आपकी जो है बच्चा हो गया 6 महीने का और आपने डिवार्मिंग भी कर दी, नरम खुराक भी दे दी, फिर आपको जो है अब थोड़ी सी एक्स्ट्रा खुराक देने की ज़रूरत है। फिर जो है आप जो है वो लिए मिक्स दाल दलिया मार्केट में आपको मिल जाएगा, मिक्स दाल दलिया लिए और उसमें जो है आप जो है गेहूँ, मक्का, बाजरा, सोयाबीन, ये इन सबको जो है दरदरा आप पिसवा लें और उसमें जो है थोड़ी सी पोल्ट्री फीड उसमें मिलाएं और अपनी मुर्गियों को दे दें। जैसे कि मैंने आपको बताया मिक्स दाल दलिया, गेहूं, चना और जो है उसमें मक्का, सोयाबीन और चना, बाजरा, इन सबको जो है पिसवाने के बाद में, मान लो जैसे कि आपने इतना सा लिया है, आपके 5 मुर्गी के बच्चे हैं, 5 मुर्गी के बच्चे में आपने जो है एक कप तो ले लिया आपने वो मिक्स दाल दलिया और जो मैंने आपको बताया है, और उसके में एक कप जो आपको ले लेना है पोल्ट्री फीड मिला के जो आपस में उसे दे दे। यदि गर्मी है तो आप जो है उसे थोड़ा सा भिगो लें, फीड को जो है भिगो के और अपने मुर्गियों को जो है चूजों को दे सकते हैं। इससे आपके मुर्गी बच्चे ना और बहुत जल्दी जो है ग्रोथ होंगे, मजबूत होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। और जो है वो जो बीच बीच में आपके जब मुर्गी बच्चे वो हो जाते हैं थोड़ा सा 6 महीने के प्लस के होते हैं, तो उन्होंने वो अपनी हाइट पूरी करते हैं खुराक के साथ साथ, तो बीच में जो है आप उबला हुआ अंडा पोल्ट्री फीड में मिला के या हरी साग सब्जी जो है उस मौसम की जो मौसम चल रहा हो आप अपनी मुर्गियों को दे सकते हैं। मल्टीविटामिन जरूर दें एक्स्ट्रा पानी में घोल के, ये मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, क्योंकि बढ़ते उम्र के बच्चे हैं, कहीं टांगों से वीकनेस ना आ जाए, कमजोरी ना आ जाए, ये मैं जो है ट्रीटमेंट अपनी शौक में लेता हूँ। दोस्तों यदि इसमें कुछ कमी बेसी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आपके जो है कमियों को सुधारने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और जो भी आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं, मैं उसका जो है उत्तर अपने यूट्यूब चैनल में जो है वीडियो के माध्यम से दूँगा, ठीक है। और बाकी आप खुद समझदार हैं। दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।